हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में चैप्टर 1 रियल नंबर के सपोर्ट मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दे रखा है फैक्टर ट्री, दे रखा है एक्स और वाई का, बताना है एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी। देखो, एक्स के फैक्टर 5 और 7, दोनों को 5 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 35। ठीक है, वाई के फैक्टर है 2 और 35, तो 2 और 35 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 70। इसकी वैल्यू हो जाएगी 70 और इसकी वैल्यू हो जाएगी मेरी 35। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमें दे रखा है इफ़ एन इज़ अ नेचुरल नंबर, एन कोई भी नेचुरल नंबर है, देन 25 की पावर 2n माइनस 9 की पावर 2n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, तो इनमें से कौन से नंबर से ये डिविजिबल होगा। तो देखो, जो मेरी फॉर्मेशन दे रखी है वो कुछ इस फॉर्मेशन में दे रखी है, यानी a की पावर 2n माइनस b की पावर 2n कुछ इस तरीके से दे रखी है। ठीक, और इसको मैं इस तरीके से ले सकता हूँ, यानी कि इसकी पावर दो, यानी कि फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का, एक बार लिख देंगे इसे पॉजिटिव में और एक बार लिख देंगे इसको नेगेटिव में। तो यानी कि जो मेरी ये टर्म है ए जिसकी पावर 2n है माइनस बी की पावर 2n इज डिविजिबल बाय ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ए की पावर 2n माइनस टू की बी की पावर 2n ये डिविजिबल है ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों से। क्यों? अगर मैं ए की एन की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करता हूँ तो इसमें ए प्लस बी का भी डिवाइड जाएगा और ए माइनस बी का भी डिवाइड जाएगा। तो ए और बी की जगह मुझे यहाँ दे रखा है 25 और बी की जगह दे रखा मुझे 9, तो ए प्लस 9 इक्वल होगा किसके, 25 प्लस 9 34 के। ए माइनस बी इक्वल होगा 25 माइनस 9 16 के। तो ये जो नंबर है वो 16 और 34 दोनों से डिविजिबल होगा, तो मेरा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 3। और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। बोला गया द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर, ये हमें कोई रैशनल नंबर दे रखा है, विल बी टर्मिनेट आफ्टर, टर्मिनेट हो जाएगा मतलब इसकी जो डेसिमल फॉर्मेशन है वो कहाँ तक होगी, पॉइंट 2 डिजिट तक जाएगा या 3 डिजिट तक या 4 डिजिट तक, वो हमें बताना है। तो देखो, जो टर्मिनेटिंग फॉर्म होती है उसकी पावर डिनोमिनेटर की पावर होनी चाहिए 2 की पावर m और 5 की पावर n, यानी कि जिसके फैक्टर 2 और 5 होते हैं वो टर्मिनेटिंग हो जाता है। करने का तरीका क्या होता है, 327 मुझे दे रखी 2 की पावर 3, तो मैं इसको 3 बार लिखता हूँ 1 2 3। 5 की पावर मुझे 1 ही दे रखी है। ठीक, देखो इसको अगर मैं डिवाइड दूँ तो काफ़ी ज़्यादा लेंथी और मुश्किल हो जाएगा, इससे आसान तरीका क्या है, नीचे बना दो 10 का डिवाइड देना सबसे आसान होता है। देखो 5 2 10 हो गया, अब 2 को अगर मैं 1 5 नीचे लगाऊंगा तो 1 5 ऊपर भी लगाना पड़ेगा ताकि 2 5 10 बन जाए। इसको 2 के 10 के साथ पेयर बनाने के लिए नीचे 1 5 लगाना पड़ेगा तो ऊपर भी 1 और 5 लगाना पड़ेगा ताकि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कोई फ़र्क चेंज ना हो। ऊपर आया 327, 5 5 25। अब देखो 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10, 10 × 10 × 10। 327 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 के साथ तो ये आ जाएगा 8175, डिवाइड देंगे 1000 का, कितनी जीरो है इसमें 3 1 2 3, डेसिमल जाएगा 3 नंबर इधर 8.175, तो मेरा डेसिमल कहाँ तक जाएगा, अप टू 3 डिजिट तक, तो मेरा हो जाएगा आंसर यहाँ पे सी। और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, ओके, बाय बाय, थैंक यू।